अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। हम अपने नए टॉपिक 9.3 के साथ हाजिर हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एंटरिंग डाटा इन ए वर्कशीट, जो कि बहुत इजी टॉपिक है कि हम डाटा वर्कशीट के अंदर कैसे एंटर करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने लास्ट क्लास में ये देखा था कि हमने कैसे जो है वो इंटरफेस को हमने डिस्कस किया था, जिसके अंदर रोज़ थी, कॉलम्स थी, एक्सेल का पूरा मेन पेज हमने बनाया था, जिसके अंदर हमने देखा था कि किस तरह उनके अंदर जो है रोज़ और कॉलम्स को मिला के हम जो है वो उसमें डाटा डालते एंटर करते हैं, और उनके सेल नेम्स कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, ये सारा हमने डिस्कस किया था। और ये जो हमारी शीट वन कहलाती हैं, शीट टू, शीट थ्री, इस तरह से जी। तो अब हम बात कर लेंगे इनमें डाटा इसमें एंटर कैसे करना है। सेल इज़ द बेसिक यूनिट, आपको पता है ये सेल कहलाता है। जब दो एक कॉलम और एक रो जब मिलते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, सेल जी। सेल इज़ द बेसिक यूनिट वेयर द डाटा इज एंटर्ड इन ए वर्कशीट। द डाटा कैन टेक वैरायटी ऑफ फॉर्म्स, डाटा की बहुत सारी, इसमें टेक्स्ट भी हो सकता है, नंबर भी है, डेट, फार्मूला, ये सब कुछ आप उसमें डाल कर सकते हैं। द सेल आल्सो कैन होल्ड ग्राफिक, इसमें पिक्चर भी आ सकती है, ग्राफिक एरिया भी इसमें डाल सकते हैं आप। लाइक ग्राफिकल इंटरफेस देना हो, ग्राफिकल वर्किंग दिखानी हो, कोई फ्लो चार्ट दिखाना हो, किसी भी किस्म का काम यहाँ पर दिखाना हो तो हम दिखा सकते हैं, या आप कह लें कि ग्राफ्स दिखाना हो किसी कंपनी की ग्रोथ का, तो वो भी इस पर हम दिखा सकते हैं। और इसके वीडियो चलानी हो, ऑडियो फाइल हो, सब कुछ इसके अंदर आ सकता है। द टू स्टेट्स ऑफ ए सेल, के एक्टिव सेल एंड पैसिव सेल, जिस पर हम काम कर रहे हैं वो हमारा एक्टिव सेल है, जिस पर अभी काम नहीं कर रहे हैं हमारा पैसिव सेल है। बिफोर एंटरिंग डाटा द सेल मस्ट बी एक्टिवेटेड, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप काम कर सकते हैं, क्लिक नहीं करेंगे काम नहीं करेगा। यूजिंग द माउस और एरो की यू कैन सेलेक्ट ए सेल टू मेक एक्टिव, इसको मैंने क्लिक किया यह एक्टिव हो गया। बोल्ड रेक्टेंगुलर बॉर्डर इंडिकेट द एक्टिव सेल, जो ही मैं इसको क्लिक करूंगा ये इसका बॉर्डर जो है बोल्ड हो जाएगा कि जी मैं इस पर काम कर रहा हूं, ये आपका सेल एक्टिव हो गया। एवरी सेल इन द वर्कशीट हैज एन एड्रेस, हर सेल का एड्रेस है। इसका एड्रेस क्या है इस टाइम जी, B2। इसका सेल का एड्रेस क्या है जी इस वक्त जी, D2। इसका सेल का एड्रेस क्या है जी, इसका C4। इसका नाम है C4 जी। व्हेन अ सेल इज सिलेक्टेड यू कैन एंटर डाटा बाय सिंपली टाइपिंग, कुछ भी नहीं करना, क्लिक करें और आप डाटा टाइप कर लें इसके अंदर। यू कैन आल्सो एंटर द डाटा इन एक्टिव सेल थ्रू फार्मूला बार, आप यहां लिखेंगे फार्मूला में लिख रहे होंगे, फार्मूला बार जो कि उसके ऊपर होता है, जब आप इसके ऊपर लिख रहे होते हैं तो ये यहाँ पर आप यहाँ नहीं लिखना चाहते तो आप यहाँ लिख लीजिए कि आप सम करना चाहते हैं। आप सम किसको करना चाहते हैं, बी और सी फोर को सम करना चाहते हैं। सम लिखें कि जमा करें बी टू को सी फोर के साथ, बी टू को प्लस सी फोर को ऐड कर दें, तो जो आप यहाँ से यहाँ ऐड कर रहे हैं तो यहाँ ये लिख रहे हैं, यहाँ ऑटोमेटिकली यहाँ शो के सामने आ जाएगा। अब जिस सेल पर खड़े वहीं रिजल्ट आएगा, आपको यहाँ खड़े होंगे तो यहाँ रिजल्ट आएगा, यहाँ खड़े होंगे तो यहाँ रिजल्ट आएगा। ठीक है जी। और व्हेन अ सेल कंटेनिंग, आगे चलते हैं, सिमिलरली यू कैन एडिट द कंटेंट्स ऑफ द सेल इन फार्मूला बार, यहां से चेंज भी कर सकते हैं, यहां लिख भी सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। व्हेन अ सेल कंटेनिंग ए फार्मूला इज एक्टिवेटेड इट्स फार्मूला अपीयर्स इन द फार्मूला बार, जो आप काम कर रहे हैं यहां पर वो यहां अपीयर हो जाएगा फॉर। ठीक है जी, विच यू कैन एडिट, जो सब यहां से आप चेंज कर सकते हैं फार्मूला को, यहां से चेंज करना फेयरवेल कभी नहीं होता, तो यहां जब चेंज करते हैं वैल्यू फॉरन चेंज हो जाती है, तो वैल्यू से बचने के लिए बेहतर है कि अब यहां फार्मूले को चेंज करें तो ऑटोमेटिकली यहां चेंज हो जाएगी फार्मूला पूरा, क्योंकि जो जब चेंज करते जाएंगे फार्मूला उसके मुताबिक बनता चला जाएगा फॉरन। इसे यहां चेंज करने जाए यहां चेंज किया जाता है इसको जी। आगे चलते हैं, लाइक वर्ड प्रोसेसर द बेसिक ऑपरेशन ऑफ कट कॉपी पेस्ट, वो सारे काम जो वर्ड में करते हैं वो सारे के सारे यहाँ भी हो सकते हैं। और इसी तरीके से यू कैन मूव डाटा बिटवीन द वर्कशीट, मैंने बताया शीट वन से शीट टू पे डाटा मूव करना हो, शीट थ्री पे लेके जाना हो, ये सब आप कर सकते हैं जी, ये सब ऑप्शन मौजूद हैं। और ये था जी सिंपल एंटरिंग द डाटा वर्कशीट के अंदर, उम्मीद आपको समझ आएगा, बहुत आसान सी चीज़ है, जस्ट एंटर करने का तरीका बताया है और इस पर कोई नई चीज़ नहीं है, तो हमें उम्मीद है कि आप इसको समझ रहे होंगे। नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए इजाज़त, आपका बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।